बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जॉब्स एंड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। मैं हूँ फिदा हुसैन। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ कैडर्स में वैकेंसीज की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिनमें से इम्पोर्टेंट वैकेंसीज एक पंजाब पुलिस वायरलेस ऑपरेटर की भी हैं, जिसके लिए एजुकेशनल रिक्वायरमेंट मैट्रिक साथ में डिप्लोमा होना ज़रूरी है, और इसके अलावा इसके मुतलिक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और अपने दोस्तों के साथ इस मैसेज को शेयर भी करना है, ताकि जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके तमाम क्वेश्चन क्लियर हो सकें। चलते हैं जॉब ऐड की तरफ, जो आपके सामने इधर स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपको। इश्तिहार में भर्ती कांस्टेबलान व लेडी कांस्टेबलान बतौर वायरलेस ऑपरेटर। हाँ, यहाँ पर ये देख लें, इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, दोनों एलिजिबल हैं, और ये बाकियों की निस्बत अगर देखें तो फीमेल के लिए एक कंफर्टेबल जॉब हो सकती है, अगर पुलिस की बाकी जॉब्स देखी जाएं तो। बुनियादी इसका स्केल जो है, बेसिक पे स्केल वो 7 है जो कांस्टेबल का होता है, और एज लिमिट अब इसकी 18 से 22 साल रखी गई है। जो हाइट है वो 5 फुट 7 इंच जो पंजाब पुलिस या जनरल कांस्टेबल्स की होती हैं, फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच है। चेस्ट 33 साढ़े 34 है, सिर्फ मर्द उम्मीदवारों के लिए है, और पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट से लोग अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन इसके लिए इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन अगर देखी जाए तो मंजूर शुदा बोर्ड से हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी आपके पास इंटरमीडिएट साइंस होनी चाहिए, सर्टिफिकेट साइंस यानी आपके पास एफएससी साइंस के साथ होनी चाहिए, या मैट्रिक प्लस आपके पास डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल DAE इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल होना चाहिए। याद रखें, या तो आपके पास FSC हो मेडिकल या नॉन मेडिकल यानी साइंस के साथ, ठीक है, उसके बाद आपको, या आपके पास डिप्लोमा DAE हो सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और 50% मार्क्स इसमें होने चाहिए। और इसके लिए जो दौड़ का टेस्ट लिया जाएगा वो 1.6 किलोमीटर या 1 माइल इन 7 मिनट्स, एंड फीमेल्स के लिए 1.6 किलोमीटर और 1 माइल इन 10 मिनट्स होगा। इसके फॉर्म की फीस भी 50 रुपये है, जो कि आपको पंजाब लाहौर कुर्बान लाइंस लाहौर से मिल सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट में भी इन फॉर्म को और ऑनलाइन भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसकी जो अप्लाई की डेट है वो 1 नवंबर से स्टार्ट होगी और 15 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसकी जो 18 से 22 साल है वो 15 नवंबर से स्टार्ट होगी, और एंड भी इसी पे होगी, इस डेट से आप अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें साबिका फौजी वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं, 10% कोटा उनके लिए है, और बाकी इनके लिए रिक्वायरमेंट वही हैं जो कि कांस्टेबल्स की होती हैं। कहते हैं कि किसी भी किस्म का आपके पास, आपके ऊपर कोई FIR वगैरह में नामजद नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर किसी जगह पर आप मुलव्वस पाए गए तो आपको जो है वो भर्ती से निकाल दिया जाएगा। दोस्तों, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इससे रिलेटेड जो आपके साथ शेयर की। वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।